तो शुरू करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे दिनियात, सिक्स क्लास के चैप्टर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत। क्या चैप्टर का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत। तो सुनो, किताब देखो, ठीक है। इसके पास किताब नहीं, वो सुनो, समझेंगे सबक क्या है। ये हमारे ईमान में शामिल है। क्या है? ईमान में शामिल है, यानी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान में शामिल है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता हो, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो। चैप्टर शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत हमारे ईमान का हिस्सा है। देखो आ भी गया, हमारे ईमान का हिस्सा है। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसके तकाज़ों को पूरा न करे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसका तकाज़ा, तकाज़ा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानी जाए। क्या मानी जाए? हर बात मानी जाए, बुराइयों से बचा जाए, अच्छाइयों को किया जाए, जो हुक्म देकर गए हैं उसको किया जाए, तो जो पूरा ना करे तो उसका ईमान अधूरा और नाकिस है। उसका ईमान अधूरा नाकिस है। इसलिए हर बुराई से इंसान को बचना चाहिए। यह हमारे नबी का यह हुक्म है और अल्लाह का फरमान है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस के हैं कि لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين। नहीं मिला तुम लोगों को? मिल गया ना। देखो इसका तर्जमा देखो क्या है, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन यानी मुकम्मल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यानी कि हर मोमिन को, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, उसको चाहिए एक एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करे, अपने बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करे। अब अगर कोई उसका बेटा है तो बेटे से भी, अपने कबीले से, अपने तमाम घर वालों से और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। यानी कि अगर एक तरफ हमारे माँ बाप का मैटर है, ठीक है, एक तरफ हमारे माँ बाप हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो मुझे अपने माँ बाप से ज़्यादा किससे मोहब्बत होनी चाहिए? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है सबसे ज़्यादा। हदीस है, देखो ये कुरान की आयत भी है, ठीक है। कुरान की आयत देखो क्या है, कुरान की आयत भी यही कहती है। ये सूरह तौबा है, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। इसका मतलब यह है कि अल्लाह फरमाता है, قل आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, इनका ना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, क्या कहा फरमाया, तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान व अमवाल इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जिसको तुमने जमा किया है, कमाया है, व तिजारतुन और वो तिजारत, वो कारोबार, वो बिजनेस, तख्शौन कसादहा जिसके ठप हो जाने से तुम लोग डरते हो इसके कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, व तख्शौन कसा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरगौनहा और वो घर जिसको तुम लोग खूब ज़्यादा चाहते हो, यानी कि वो महल है। इंसान इस वक्त में घर बनाता है, कितना खूबसूरत बनाता है, टाइल्स बिछाता है, ये फूल बनाता है, पूरा पत्ती बनाता है, उसको अपने घर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, कहता है भाई मेरे घर, मेरे घर के सामने पोस्टर चिपकाना। खैर सुनो, इधर देखो, कहा ये सारी चीज़ अगर तुम्हारे बाप भाई बेटे बीवी माल कुंबा तिजारत घर
जितनी सारी चीजें अगर तुमको ये सारी चीजें अहब्बा इलैकुम तुम्हारे अगर तुमको ये सारी चीजें अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं तो वजिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना कोशिश करना इससे भी ज्यादा तुमको क्या कहते हैं तुमको ये चीजें तुमको ज्यादा महबूब हैं अल्लाह के अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतरबसू तो तुम इंतजार करो क्या करो इंतजार करो आजाब ना जाए यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना हुक्म लेता है यानी अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फासिकीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत फासिक कौम को हिदायत नहीं देता है। इससे क्या पता चला इस आयत से और इस हदीस से मुझे यह सबक मिला कि मुझे अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की सारी चीज़ें और उसके दुनिया के सारे इंसानों से ज़्यादा मुझे मोहब्बत करनी है ना। आज हम अल्लाह का काम और अल्लाह का काम और अल्लाह के रसूल का काम पीछे छोड़ देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं और सो जाते हैं इत्मीनान से, है ना। ये मोमिन का काम नहीं है, मोमिन का काम नहीं है। तो ठीक है, इसका हम ख्याल करेंगे और अमल करेंगे इस हदीस पर भी और कुरान की आयत पर भी।